ग्रीटिंग्स टू यू ऑल वेलकम टू औरज अकादमी ग्रेट टेंथ प्रिपरेशन तो बोर्ड एग्जाम्स की बहुत जोरों से चल रही है लेकिन एक सब्जेक्ट है जो थोड़ा बहुत पीछे छूट जाता है तो आइए औरज़ के साथ प्रिपरेशन करते हैं इंग्लिश की भी टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आपका क्वेश्चन पेपर का बोर्ड एग्जाम्स में ब्लू प्रिंट कैसा होगा आपका करिकुलम एक्चुअल में क्या है तो स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को आज मेरे साथ डॉक्टर नेहा दुबे के साथ आज हम डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट दिस एज यू कैन सी दिस इज ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट द कारिकुलम द प्रिसाइज पाथवे वी आर गोइंग टू गिव यू टूडे डियर लर्नर्स डियर स्टूडेंट्स आपके कारिकुलम का सबसे पहले आपको कोड भी पता होना चाहिए दिस इज वन एट फोर और आपका जो सब्जेक्ट है दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सो आपके क्वेश्चन पेपर में जो डिवीजन होता है वो किस प्रकार से होता है आइए इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेक्शन वाइज डिस्कशन होगा क्लास टेंथ में आपके जो आप बोर्ड एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसका वेटेज होगा टोटल 80 मार्क्स 80 मार्क्स आपका टोटल वेटेज होगा तो इस वेटेज में जो सेक्शंस कैरी होगी उन पर बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास होगा रीडिंग सेक्शन रीडिंग सेक्शन ट्वेंटी मार्क्स रीडिंग सेक्शन कितने मार्क्स का आएगा आपका ट्वेंटी मार्क्स का कैसे डिवीजन होगा व्हाट आर द थिंग्स गोइंग टू बी देयर ये भी हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ दूसरा जो हमारा सेक्शन होगा राइटिंग स्किल्स लेकिन राइटिंग स्किल्स के साथ यहां पर और आपके सामने होगा ग्रामर सेक्शन भी सो यस इट इज कंबाइंड वन सेक्शन बी इज गोइंग टू बी योर राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर वन यहां जो आपका टोटल वेटेज होगा वो होगा ट्वेंटी मार्क्स का सो ट्वेंटी फोर सेक्शन ए ट्वेंटी फोर सेक्शन बी लास्ट विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका लिटरेचर पोर्शन है क्योंकि यहाँ पर भी आई होप डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो बुक्स है आपकी आपकी फर्स्ट फ्लाइट आपके पास है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपके पास है तो यहाँ जो लिटरेचर के चैप्टर्स इंक्लूडिंग योर प्रोज सेक्शन पोएट्री सेक्शन इनमें जब असेसमेंट में बात आते हैं तो लाइंस होती हैं क्वेश्चन होते हैं और शॉर्ट आंसर्स भी लिखना पड़ते हैं लॉन्ग आंसर्स भी लिखना होते हैं तो ये सारा जो एक असेसमेंट होगा ये कहाँ होगा ये फोर्टी मार्क्स के अंदर आएगा सो ट्वेंटी फोर सेक्शन ए अनसीन पैसेजेस बहुत छोटे से करते आ रहे हैं इसको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपके अनसीन पैसेजेस आपके सामने होंगे क्वेश्चन पेपर में और साथ ही आपकी ग्रामर स्किल राइटिंग स्किल जो टास्क होते हैं आपके सामने दो या तीन टास्क होंगे वो आपको आने चाहिए और साथ ही लिटरेचर पोर्शन तो आइए स्टेप बाय स्टेप इनको भी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की रीडिंग सेक्शन जिसको मैं बोलती हूं कि मोस्ट निगलेक्टेड जो सेक्शन होता है या टॉपिक होता है वो होता है अनसीन पैसेजेस कॉम्प्रिहेंशन पार्ट यू वॉन्ट बिलीव डर स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्क्स या तो लूज भी कर सकते हो या गेन भी कर सकते हैं कैसे आपके सामने जब अनसिन पैसेजेस होता है तो स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई पैसेज तो वहीं आएगा वहीं पढ़ा जाएगा और क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें से ही ढूंढकर हम एंसर्स लिख लेंगे बट यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कैसे जब आपके सामने अनसिन पैसेजेस होते हैं अनसर्टेनिटी होती है एक्चुअली जो आपकी टिप्स और टेक्निक्स होती है जब हम वो नहीं जानते तो टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट कोई डालता है तो वो है सेक्शन ए आई होप यू नो डियर स्टूडेंट्स कि इंग्लिश का सब्जेक्ट का जो आपका क्वेश्चन पेपर है जो आपका एग्जाम है वो लेंदीएस्ट होता है क्योंकि यहां अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो या तो लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे और वो एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा वो आपके अदर सब्जेक्ट्स पे भी हो जाएगा तो बेटर हम क्यों ना उस टाइम मैनेजमेंट के साथ और ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ आगे बढ़े तो आपके सामने जब अनसीन पैसेजेस होते हैं सबसे पहले आपके सामने होंगे दो अनसीन पैसेजेस देखिए पहला पहला जो अनसीन पैसेज है दिस इज गोइंग टू बी डिस्कर्सिव पैसेज वाई अब इसका मीनिंग क्या होता है इन्फॉर्मेटिव देखिए किसी भी पैसेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको बताए जाते हैं तो इस प्रकार से अगर कोई भी पैसेज कोई भी टेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना देता है तो वो डिस्कर्सिव पैसेज कहलाता है तो यहाँ जो आपका है देखिए बहुत बड़ा वेटेज है टेन मार्क्स टेन मार्क्स आपका सबसे पहला जो है पैसेज होगा आइए दूसरे अनसीन पैसेज की बात करते हैं नाउ देखिए क्लियर है आपके सामने सारे जो आपके रूल्स है गाइडलाइन है वो दी हुई है कैसे विजुअल इनपुट स्टेटिस्टिकल डेटा चार्ट बार ग्राफ हो पाई चार्ट दिया हो किसी भी प्रकार का आपको एक विजुअल इमेज दी हो तो उस पर बेस्ड जो पैसेजेस होते हैं उस इंफॉर्मेशन को सीख करके वो वीव की जाती है ऐसे पैसेजेस कहलाते हैं केस बेस्ड फैक्चुअल ये बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं यहां मैं आपकी एक और राइटिंग टास्क को यहां कनेक्ट करना चाहूंगी आप ही के ग्रेड टेंथ में राइटिंग स्किल में जब आते हैं तो एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग है समहाव ये उसी से रिलेटेड होता है कैसे क्योंकि वहां पर आपको केवल विजुअल इमेज दी जाती है और आपको अपने स्टोरी लाइन से साथ इंफॉर्मेशन के साथ थाट्स को वीव करना होता है जबकि यहाँ आपके सामने प्रॉपर पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज में से मुझे फिल्टर करनी है इंफॉर्मेशन एंड देन आई नीड टू वीव द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड नीड टू फ्रेम प्रॉपर आंसर यह आपका टास्क होता है रीडिंग सेक्शन में अब रीडिंग सेक्शन तो सामने है लेकिन हम उसको क्रैक कैसे करें टेक्निक क्या है अगर आप पहले पैसेज पढ़ते हैं और आप फिर क्वेश्चन पे जाते हैं तो फिर आपको पैसेज पर ही आना होगा वाई टू वेस्ट माई टाइम क्यों हम वेस्ट करें टाइम को बेटर नहीं होगा कि हम पहले क्वेश्चन रीड कर दें आप सोचेंगे मैम ये क्या कह रहे हैं बिल्कुल ये सही है दिस इज द बेस्ट टेक्निक वेन एवर यू आर गोइंग टू एक्चुअली गोइंग टू अपियर सच लाइक दिस आपके सामने अगर ऐसे पैसेजेस आ जाते हैं तो आप कुछ नहीं करें पहले क्वेश्चन रीड करें फिर आप पैसेज पर जाए इससे फ़ायदा क्या होगा जब आप क्वेश्चंस रीड करते हैं तो सामने कुछ की वर्ड्स की टर्म्स होते हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं तो हम उन क्वेश्चंस के की वर्ड्स के साथ जब अपने पैसेज में जाते हैं तो वो चीज़ें जल्दी फिल्टर होती हैं और जब फिल्टर हुई इंफॉर्मेशन तो मुझे मेरा आंसर क्या हुआ बहुत जल्दी मिलता है और स्टेप बाय स्टेप पहला क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इनिशियल लाइंस में ही उसका आंसर होगा तो इस प्रकार से दिस इज गोइंग टू बी कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करें फिर आप पैसेज पर जाएं। आज के बाद आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको सो दिस इज गोइंग टू बी दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि री क्वेश्चन रीड करें पैसेज पे गए मुझे मेरे आंसर्स मिलने लगे तो जो टाइम था वो बच गया जो आगे काम आएगा तो आई होप दिस इज क्लियर अब क्वेश्चंस कैसे रीडिंग सेक्शन में आएंगे उसकी भी बात करते हैं आपके रीडिंग सेक्शन में क्योंकि ये भी टेन मार्क्स का है और ये भी टेन मार्क्स का है इफ रिमेंबर ट्वेंटी मार्क्स है टोटल सेक्शन ए के लिए अब ये मार्क्स के किस प्रकार के क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो देख लीजिए दिस इज रियली वेरी क्लियर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप और क्वेश्चंस आपके सामने होंगे साथ ही आपके पास होंगे कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे जिनको मैं बोलती हूँ दिस इज बेस्ड बेस्ट करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना होगा जबकि कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट उस पैसेज से रिलेटेड ही आपको इंफॉर्मेशन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दिस इज गोइंग टू बी कि आपको किस प्रकार से आंसर्स लिखना है और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने होंगे दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर कुछ स्टूडेंट्स यहां गलती कर जाते हैं बिकॉज रीडिंग सेक्शन है बट स्टिल इफ क्वेश्चन इज गिवेन और उनको लगता है मुझे भी तो इसके बारे में पता है आई नो दिस फैक्ट आई नो दिस थॉट और नो दिस इंफॉर्मेशन तो वो क्या करते हैं उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को वहां वीव कर देते हैं या अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं बट अगेन डियर स्टूडेंट्स ये भी एक मिस्टेक है और इस प्रकार से भी आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो सकते हैं बात क्यों क्योंकि ये रीडिंग सेक्शन है ये राइटिंग सेक्शन नहीं है रीडिंग सेक्शन मीन्स वॉट वट एवर इज गिवेन यू नीड टू रीड यू नीड टू फिल्टर एंड जस्ट राइट प्रिसाइसली यही इसकी टेक्निक है आपके सामने जो भी है उसी इंफॉर्मेशन को आपको प्रॉपर तरीके से वीव करते हुए अपने आंसर को फ्रेम करना है सो आई होप दिस इज राइट वेरी क्लियर कि मुझे सेक्शन ए को किस प्रकार से किस तरीके से अटेम्प्ट करना है चलिए अब आगे नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं सेक्शन बी सेक्शन बी हमारा है ग्रामर और राइटिंग सेक्शन जो ग्रामर को भी इवेल्युएट करता है और हमारे राइटिंग टास्क को भी इवेल्यूएट करता है ओवरऑल दोनों की बात करें तो जैसा कहा कि टेन मार्क्स फॉर राइटिंग है और टेन मार्क्स हमारा ग्रामर पर दिया गया है ग्रामर में जो टॉपिक्स है जो ऑथेंटिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबसे पहला हमारे सामने होगा डिटर्मिनर फिर हमारे सामने क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू टेंसेस अब टेंसेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं डिटर्मिन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं मोडल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ नहीं सब्जेक्ट वर्ब इजी वर्ड दे देती हूँ दिस इज एग्रीमेंट ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्या सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार की वर्ब फॉर्म आएगी यही पूछा जाता है स्टेप बाय स्टेप हम आगे की वीडियोज में इनको भी क्रैक करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वन और हो सकता है कि आप में से कईयों को रूल्स और रेगुलेशंस पता भी ना हो लेकिन उन सारी चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे किसमें रिपोर्टेड स्पीच में अब आपको लग रहा होगा कि ये कमांड रिक्वेस्ट और स्टेटमेंट क्वेश्चंस ये भी तो है लेकिन नहीं ये टॉपिक्स नहीं है ये रिपोर्टेड स्पीच के ही टाइप्स हैं पता है रिपोर्टेड स्पीच जब आती है तो उसमें कमांड से रिलेटेड रिक्वेस्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट से रिलेटेड और क्वेश्चन टैक्स से रिलेटेड जब स्टेटमेंट्स आपके सामने होते हैं सो व्हाट आर गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस ये आपको यहाँ पर आना चाहिए सो येस वी विल डिस्कस एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप और लास्ट में ये तो हमारे टॉपिक्स हो गए कि भाई डिटर्मिनल्स हैं टेंसेस है मॉडल्स है सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट है और हमारी रिपोर्टेड स्पीच है बट ये सामने क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से आएंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइजेस होंगी सो डियर स्टूडेंट्स आपके सामने होंगे ग्रामर को जो एक्सेस एक्सेस किया जाएगा वो किया जाएगा गैप फिलिंग के तरीके से दूसरा हो सकता है आपको कुछ एडिटिंग आई होप एडिटेड और ओमिटेड जो एक्सरसाइजेस आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में की थी वो सेम यहां पर आएंगी और सेम आपके टॉपिक्स भी रहेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सरसाइजेस एज आई टोल्ड यू दैट आपके सामने गैप फिलिंग के तौर पर और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के तौर पर भी एक्सरसाइजेस आपके सामने होंगी अब कितनी करनी है टेन आउट ऑफ ट्वेल्व क्वेश्चन तो आपके सामने चॉइस है बारह आपके पास एक्सरसाइजेस होंगी और आपको उसमें से कितनी अटेम्प करना है टेन तो so, ये हो गया टेन मार्क्स ग्रामर का आइए अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे राइटिंग स्किल पर राइटिंग स्किल भी टेन मार्क्स कैरी कर रही है और आपको बता दें अगेन दिस सेक्शन इज इन योर हैंड वाई बिकॉज आप जब टेन मार्क्स में राइटिंग टास्क देखिए क्वेश्चन सिंपल दिया होगा वीव किसको करना है थॉट्स किसको क्रिएट करना है मुझे ही करना है सो so बेटर है वाई नॉट प्रसली वाई नॉट एक्यूरेटली तो सबसे पहला जो टास्क है आपका है फॉर्मल लेटर का सबसे पहला मैं अगेन आई एम रिपीटिंग दिस दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट आपका सबसे पहला टास्क जो है वो है फॉर्मल लेटर का और जब आप फॉर्मल लेटर को Attempt करोगे इस प्रकार से क्वेश्चन को सो अगेन यू विल गेट टू क्वेश्चन आपके सामने दो लेटर्स की आपके पास चॉइस होगी लेकिन फॉर्मल लेटर तो है सिंपल लेकिन इसमें और लेटर का टाइप क्या आ सकता है यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी यहां आपके पास होगा प्लेसिंग ऑर्डर ये आपके पास एक लेटर आ सकता है कंप्लेन लेटर आपके सामने आ सकता है देखिए क्वेश्चंस होंगे सिंपल आपके पास एक इश्यू बेस्ड यानी एक सिंपल जो एडिटर होता है लेटर टू एडिटर आपके सामने ये क्वेश्चन भी आ सकता है तो देखिए एक फॉर्मल लेटर तो लिख दिया लेकिन उसके अंदर भी और टाइप्स है मींस टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को हाउ टू प्लेस द ऑर्डर ये फॉर्मेट प्लस उसका ड्राफ्टिंग आना चाहिए देन कंप्लेन लेटर कैसे लिखा जाता है उसकी ड्राफ्टिंग भी आनी चाहिए और सिंपल इफ यू रियली वांट टू रेज एनी प्रॉब्लम किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको उसको रेस करनी है किसी भी डेजिग्नेटेड पर्सन को आपको अगर अपनी कंप्लेन को कन्वे करना है देन यू नीड टू नो द फॉर्मेट एंड देन यू नीड टू नो द बेसिक ड्राफ्टिंग तो इन चीजों को इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे बाद में लास्ट आते हैं विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पांच मार्क्स यहां आ गए क्योंकि टेन मार्क्स की बात हुई राइटिंग टास्क है टेन मार्क्स का ग्रामर ऑलरेडी टेन का हो ही चुका है तो जब नेक्स्ट राइटिंग टास्क की बात आती है तो वो है हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वाई बिकॉज हियर आपके सामने जो क्वेश्चन होगा वो सिंपल आपको एक इमेज दे दी जा सकती है और वहाँ आपको हो सकता है कुछ बार ग्राफ बना दिए जाए और सिंपल आपके सामने कुछ डेट्स लिख दी जाए और आपके सामने एक डेटा क्रिएट किया जाएगा अब इसको देखिए और अपनी इंफॉर्मेशन को वीव करिए डोंट वरी एनालिटिकल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म आपको एनालाइज करना है उस डेटा को और अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से आप उसकी फ्लक्चुएशन को क्योंकि किसी भी टाइप में आ सकता है बार ग्राफ के फॉर्म में आ सकता है पाई चार्ट के फॉर्म में आ सकता है भाई इतने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया यहाँ इनको इजी लगा फाइव परसेंट को टेन परसेंट को टफ लगा और फाइव फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट्स को लगा नहीं मॉडरेट था तो यहाँ क्या हुआ आपने अपनी इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन में कैसे वीव करेंगे ये क्वेश्चन आपका यही चीज़ एनालाइज करेगा इट इज़ क्वाइट क्लियर इन द फॉर्म ऑफ मैप इन अ फॉर्म ऑफ चार इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और क्यूज द थिंग्स वुड बी गिवन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन होगा और डोंट वरी आपके सामने एक प्रॉपर क्वेश्चन वीव किया जाएगा कि भई इतने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पेपर था बोर्ड एग्जाम था आई मींग आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल कि ये आपके सामने पूरा एक डिवीजन दिया गया है कि ये एक्सप्रेशन या फीलिंग थी या एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन था स्टूडेंट्स का तो आप क्या करेंगे उसको वीव कर देंगे कितना इतना क्वेश्चन था इतना मॉडरेट क्वेश्चन थे इतने स्टूडेंट्स को ईजी लगा और टफ लगा दैट्स इट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गोइंग टू ये आपका कैसा होगा फाइव मार्क्स का ही कंटेंट करेगा इसको भी वर्ड लिमिट की बात करते हैं बिकॉज बोथ आर एक्चुअली फाइव मार्क्स और फाइव मार्क्स तो यहाँ पर याद रखिए हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी ये इसकी वर्ड लिमिट दिस इज द वर्ड लिमिट प्लीज कीप दिस इन माइंड वी कैन नॉट वी आर नॉट अलाउड टू एक्सीड आर वर्ड लिमिट बिकॉज क्लियरली लिखा रहता है अडे टू दर्ड लिमिट तो जो वर्ड लिमिट है थोड़ा बहुत आप इंक्रीज करते हो तो चल जाता है लेकिन सपोज अगर वन पेज में मुझे आंसर लिखना है एंड आई एम एक्सीडिंग अप टू टू और थ्री पेजेस तो वो बहुत एक्सेप्टेड नहीं किया जाता सो इट्स बेटर ऑलवेज अडेयर टू द वर्ड लिमिट हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी ये आपके राइटिंग सेक्शन की वर्ड लिमिट है एंड फाइव ईच जब आप राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ मुझे एक और चीज़ है विच आई रियली वुड लाइक टू तो टेल यू डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेट कंटेंट और एक्सप्रेशन पार्ट इन तीन चीज़ों में आपका जो है वो इवेल्यूएशन होता है यहाँ फाइव मार्क्स है तो वन फॉर फॉर्मेट टू फॉर कॉन्टेंट एंड टू फॉर एक्सप्रेशन पार्ट कैसे देखिए जब आपके सामने formal letter है तो तो उसका proper एक क्या क्या होगा? Format होगा. तो क्या मैंने उसको proper alignment के साथ proper format में draft किया, है, ये चेक किया जाता है प्रॉपर एंडिंग की है या नहीं ये भी चेक किया जाएगा तो फॉर्मेट के अगर आपके एक्यूरेसी है अगर फॉर्मेट में तो आपको वन मार्क मिल जाएगा देन जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड आपने वैल्यू पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं तो आपको कंटेंट का भी दो मार्क्स आपको मिल जाएंगे और व्हाट इज देयर इट इज गोइंग टू बी इवेल्युएटेड व्हाट आर द थिंग्स गोइंग टू बी इवेल्युएटेड इन एक्सप्रेशन पार्ट आपका ग्रामर एक्यूरेसी मतलब ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग एरर्स ये आपके एक्सप्रेशन पार्ट में इवेल्युएट किए जाते हैं नाउ आई होप दिस इज क्लियर सेक्शन बी राइटिंग ग्रामर दोनों को कंटेंट करेगा टेन फॉर ग्रामर टेन फॉर राइटिंग नेक्स्ट बढ़ते हैं विच इज रियली अगेन इंपॉर्टेंट वन और सबसे ज्यादा क्योंकि स्टोरीज बहुत सारी हैं पोइट्री सेक्शन भी है प्रोज सेक्शन भी है सप्लीमेंट्री रीडर भी है तो फोर्टी मार्क्स सेक्शन सी जो है वो कैरी करेगा लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर बेसिकली किस पर लिटरेचर पर अब आपके सामने है दो बुक्स पहली आपके पास है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी जो आपके पास बुक है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट देखिए अब जो फर्स्ट फ्लाइट है ये डिवाइडेड है आपकी प्रो सेक्शन में और पोइट्री सेक्शन में फर्स्ट फ्लाइट में आपके जो चैप्टर्स हैं, इट्स क्वाइट बाइफकेशन क्लियर है इसमें प्रो सेक्शन एंड पोइट्री सेक्शन और जो नेक्स्ट आपकी जो बुक है इज़ सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीड और यहाँ पर क्लियरली आपको चैप्टर्स हैं आपके तो जब ये सारे चैप्टर्स सबका स्टोरी लाइन ऑथर्स डिवाइसेस लिटरीरी डिवाइसेस फिगर्स ऑफ स्पीच ये सब अगर पता है क्वेश्चन जो है वो आएगा वो होगा आपका कॉन्टेक्स मतलब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज है पोइट्री है और सप्लीमेंट्री रीडर है तो इसमें से चैप्टर्स में से आपके एक्सट्रैक्ट पोएट्री में से आपके एक्सट्रैक्ट और प्रोज सेक्शन में से आपके एक्सट्रैक्ट बनेंगे तो इनको ध्यान रखेंगे तो आपके सामने जो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ टू आपको एक अटेम्प्ट करना होगा इट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड योर प्रो सेक्शन जो आपका रीडर सेक्शन से हो सकता है प्रो सेक्शन से हो सकता है दो एक्सट्रैक्ट होंगे स्टोरी लाइन पर बेस्ड नाउ नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा ये होगा एक्सट्रैक्ट अगेन वन एक्सट्रैक्ट आपको अटेम्प्ट करना होगा ये डिपेंड होगा यहां आपको देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां आपको इन एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको चॉइस तो है ही साथ में आपके पास होगा कि आप ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे इट इज क्वाइट क्लियर कि आपके पास जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे करेक्ट ऑप्शन पे आपको आपको उसको यू हैव टू जॉट डाउन तो यहाँ आपके पास नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट जो होगा वो होगा पोइट्री से रिलेटेड नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन uh, की बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्योंकि यहाँ पर आपके सामने क्या वेरी शॉर्ट ही होगा वन वर्ड होगा आपके सामने तो आपको यू हैव टू राइट डाउन एंड इवन डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी गिवन आपके सामने एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है तो उसको भी ध्यान रखिएगा नाउ नेक्स्ट सेगमेंट है शॉर्ट और वेरी जो लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं ये अब आपके कैसे टोटल इस यहाँ फिफ्ट टेन मार्क्स हो गए देखिए फाइव दिया गया किसको पहले एक्सट्रैक्ट को फाइव नेक्स्ट फाइव दिया गया सेकेंड एक्सट्रैक्ट को अब लास्ट जो हमारा थर्टी मार्क्स बच रहे हैं बिकॉज फोर्टी है तो थर्टी बचे तो शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने होंगे कैसे फोर आउट ऑफ फाइव शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन फोर्टी टू फिफ्टी दिस इज इंपॉर्टेंट आपके सामने होंगे क्या क्वेश्चन होंगे फोर आउट ऑफ फाइव अब आपके पास एक चॉइस है फाइव पांच क्वेश्चन होंगे आपको चार अटेम्प्ट करने हैं वर्ड लिमिट है विच इज़ ए क्वाइट इंपॉर्टेंट फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड्स यहाँ आंसर को अटेम्प्ट करेंगे प्रॉपर वीव करेंगे और मार्क्स हमारे होंगे फिर तो ये जो क्वेश्चन होंगे ये कहाँ से होंगे ये आपकी बुक से होंगे किसे फर्स्ट फ्लाइट से सबसे पहले याद रखिए कि जो आपके पास सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो सफ़ोर आपको करने होंगे वो आपके होंगे ये फर्स्ट फ्लाइट से आगे बढ़ते हैं तो देखिए पूरे ट्वेल्व मार्क्स के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट फर्स्ट फ्लाइट हो गई तो बची हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट तो टू आउट ऑफ विदाउट्री चॉइस है तीन क्वेश्चन आपके सामने होंगे दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं सो आउट ऑफ यू हैव टू टू अटेम्प्ट अगेन द वर्ड लिमिट इज सेम ये ध्यान रख लीजिएगा फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड्स अगर लिखना है तो ये शॉर्ट एंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन की कैटेगरी है तो यहां जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से सप्लीमेंट्री रीडर से ये आपके टोटल छ मार्क्स कैरी करेगा अब आते हैं जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए शॉर्ट क्वेश्चन हो गए तो अब बचते हैं लॉन्ग क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो वन आउट ऑफ टू लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए सबसे पहले वही है ना बात तो दो बुक्स की है पूरी फर्स्ट फ्लाइट की और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की तो फर्स्ट फ्लाइट में से आपके सामने दो लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके पास चॉइस होगी कि आपको उसमें से करना है एक प्लॉट पूछा जा सकता है कैरेक्टर पूछा जा सकता है कंस्ट्रक्शन पूछा जा सकता है इवन आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को भी यहां पर इनपुट किया जा सकता है आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो सी बी एस ई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर जो डिवीजन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ये आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत प्रिसाइसली ब्रीफ किए जाएंगे तो इनको याद रखिएगा इन चैप्टर्स में से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं तो पहला जो होगा वो फर्स्ट फ्लाइट में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन होगा इट इज नाउ अगेन फर्स्ट फ्लाइट हो गई तो बची हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट तो लास्ट जो मेरा लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी हमारे सप्लीमेंट्री रीडर्स से लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ऑबवियसली हमारी वर्ड लिमिट भी सेम होगी सो द वर्ड लिमिट इज 100 टू 120 वर्ड्स टू टू बी answered ये आपको याद रखना है कि प्रॉपर जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है आई हैव टू राइट आई हैव टू कंस्ट्रक्ट माई आंसर प्रिसाइसली और इन आंसर्स को खास तौर से आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन अगेन हियर डियर स्टूडेंट्स कि आप जब भी लिटरेचर के क्वेश्चन चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो जब भी आप वीव करते हैं यहाँ सारा कहते हैं ना खेल एक चीज़ का होता है वो होता है वैल्यू पॉइंट्स का जी हाँ वैल्यू पॉइंट्स का उस चैप्टर से रिलेटेड इफ यू नो द स्टोरी यू नो द प्लॉट यू नो द कंस्ट्रक्शन एंड इफ यू नो वट एवर बीन आज इवन इन द टेक्स्ट ऑल्सो देखिए टेक्स्ट में क्या क्या पूछा जाता है आपसे ऑथर्स के नेम्स और राइटर्स के नेम्स या पोइट के नेम्स भी पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसिस पोइटिक डिवाइस आपको पता है ये बहुत ऑथेंटिक है बिकॉज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में तो फॉर श्योर sure, फॉर श्योर sure, आपका लिटरेरी डिवाइसेस पोइटिक डिवाइसिस पर बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा ही तो ये सारी चीजें और उस थीम उस सिचुएशन या उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपने प्रॉपर रीजंस को वैल्यू पॉइंट्स को लिखा हुआ है तो नो वन कैन डिडक्ट योर मार्क वाई

ओवरऑल 40 मार्क्स हैं मेरे हाथ में लिटरेचर में अगर मेरे मुझे स्टोरी पता है तो तो दिस इज ऑल अबाउट योर लिटरेचर सेक्शन देखिए अब सामने है आपका ओवरऑल ब्लूप्रिंट कैसे क्योंकि ब्लूप्रिंट किसी भी क्वेश्चन का एक मिरर इमेज है क्रिस्टल क्लियर होती हैं चीज़ें सबसे पहले आपका जैसे एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस सेक्शन ए में आपके सामने जो पैसेज होगा टेन ईच यानी दो अनसीन पैसेजेस यहाँ आपके सामने के फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन होंगे तो दिस इज डन ट्वेंटी मार्क्स सेक्शन बी ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग टास्क ग्रामर में आपके टॉपिक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डिटर्मिनल टेंसेस मॉडल्स व सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड व्हिच इज एक्चुअली एग्रीमेंट एंड रिपोर्टेड स्पीच इस रिपोर्टेड स्पीच में ही कमांड क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट वाले टैग्स और रूल्स आते हैं सो डोंट गेट इट डियर देन गैप फिलिंग के फॉर्म में एडिटिंग के फॉर्म में और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के फॉर्म में आपके सामने एक्सरसाइजेस होंगी ठीक है फोर फोर और टू ये ओवरऑल आपका जो टेन मार्क्स हैं वो ग्रामर के लिए अलॉटेड है नेक्स्ट बात करते हैं सिंपली टू टास्क आर देयर वन फॉर्मल लेटर और इस फॉर्मल लेटर में भी मैंने आपको बताया है प्लेसिंग दी ऑर्डर कंप्लेन लेटर और एडिटर को यहां पर ये तीनों मुझे फॉर्मेट्स पता होने चाहिए सो यस दिस इज अगेन गोइंग टू बी एवेल्युएटेड टू आउट ऑफ यू यू हैव टू मतलब आपके सामने क्या होंगे दो क्वेश्चन होंगे और आपको अटेम्प्ट करना है एक फाइव मार्क्स का नेक्स्ट है earlier, एक form, एक form, एक में आपके सामने होगी इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन आपका बेस्ड होगा उसी इमेज पर यू हैव टू वीव योर आइडियाज यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज एंड देन यू नीड टू इनकॉर्पोरेट और आपका ये होगा पांच मार्क्स का आई होप सेक्शन बी भी क्लियर है आगे बढ़ते हैं ब्लू प्रिंट हमारे क्वेश्चे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा जो होगा वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का होगा जो हमारे ड्रामा और प्रोज से बेस्ड होगा एक्सट्रैक्ट होंगे लाइन्स होंगी हमारे सामने फाइव मार्क्स अगेन जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन होगा वन अगेन यू नीड टू अटेम्प्ट आउट ऑफ टू टू दो एक्स्ट्रैक्ट आपके सामने होंगे और में पोएट्री से होंगे स्ट्रिक्टली फ्रॉम पोएट्री सेक्शन और यहाँ भी आपके पांच मार्क्स अगेन आई एम रिपीटिंग लिटरेरी डिवाइसेस पोइटिक डिवाइसेस ऑथर्स के राइटर्स के पोइट्स के नेम और उसका स्टोरी लाइन और जस्ट अगर हम मुझे पता है तो ये क्वेश्चन ईजी हैं नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट और लॉन्ग जब आते हैं तो क्वेश्चन नंबर एट स्ट्रिक्टली शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा फोर आउट ऑफ फाइव यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट फ्लाइट से ही क्वेश्चंस होंगे फोर्टी फिफ्टी ये आपकी वर्ड लिमिट है और ओवरऑल देख लीजिए बारह मार्क्स फ्लाइट से शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन शॉर्ट अगेन फ्रॉम फुट प्रिंट आपकी सप्लीमेंट्री रीडर पर बेस्ड होंगे फोर्टी फिफ्टी ही आपकी वर्ड लिमिट है शॉर्ट है फोर्टी फिफ्टी मतलब शॉर्ट टास्क हो गया सिक्स मार्क्स आपको क्योंकि यहाँ पर दो अटैम्प्ट करना है तो थ्री मार्क्स ईच ये आपका ओवरऑल नाउ लॉन्ग देखिए अब बचा केवल लॉन्ग सेगमेंट तो एक लॉन्ग आपका आएगा फर्स्ट फ्लाइट से और एक आपको अटेम्प्ट करना होगा रीडर सेक्शन से तो आउट ऑफ टू वन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट 120 ये अप टू ट्वेंटी यही आपकी वर्ड लिमिट है ये लास्ट है वर्ड वाला देन सिक्स मार्क्स ईच लास्ट आपका क्वेश्चन होगा फुट प्रिंट्स विद आउट फीट से ये भी आपका छ मार्क्स का ही होगा ओवरऑल so, ट्वेंटी ट्वेंटी एंड फोर्टी 80 मार्क्स हो चुके हैं अब आप ऑलरेडी 80 मार्क्स के लिए यहां फाइट कर रहे हैं, क्योंकि आप आप इस, इस मार्क्स अपने, अपने आपने पोर्टफोलियो दिया होगा और ए एस एल दिया होगा असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग पोर्टफोलियो जो आप प्रोजेक्ट्स आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स जो आपने सबमिट किए होंगे तो ये ओवरऑल बनता है मेरा क्या हंड्रेड मार्क्स गॉट इट चैप्टर्स पर आते हैं फर्स्ट फ्लाइट में प्रो सेक्शन है काफी सारे चैप्टर्स हैं, इच इज रियली क्वाइट इंपॉर्टेंट कि जब भी आप यहाँ पर चैप्टर्स की बात करते हैं तो स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, आपके सामने लेटर टू गॉड है नेल्सन मंडेला है टू स्टोरीज है अबाउट फ्लाइंग अब टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में भी पार्ट्स हैं पार्ट वन है पार्ट टू है ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया यहाँ पर तीन पार्ट्स है पार्ट वन टू एंड थ्री मतलब तीन स्टोरीज को वीव किया गया है मिच विल दर्टर मैडम राइट द बस सर्मन एट बिनारस एंड प्रपोजल ये प्रपोजल जो है ये प्ले है तो याद रखिए या जो ड्रामा है ना या प्रपोजल जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फ्लाइट पोम्स की बात करते हैं पोइट्री सेक्शन की बात करते हैं

और लास्ट जो हमारा सप्लीमेंट्री रीडर है वो है ट्रम्फ ऑफ सर्जरी थीव्स स्टोरी मिड नाइट विजिटर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड फुट प्रिंस विदाउट फीट अब फुट प्रिंस विदाउट फीट ये हमारे बुक का भी नाम है और आपके सामने एक स्टोरी भी है बहुत अच्छी इट्स एक्चुअली अ फिक्शन सो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट नेकलेस भोली ऑन द बुक दैट्स सेव अर्थ तो ये सारे चैप्टर्स ओवरऑल लिटरेचर में आपको कवर करना है Already आपकी तैयारी चल रही होगी जस्ट टू एड फेदर टू चार चांद लगाने के लिए और हम अच्छे से तैयारी साथ में करेंगे। एक छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आपकी एंसर शीट अगर कैसे इवेल्यूएशन में जाती हैं। कौन से वो पैरामीटर्स है जिस पर इवेल्यूएशन होगा अगर मुझे ये पता है तो हो सकता है मैं उन्हीं पैरामीटर्स पर फोकस करके आई एम गोइंग टू क्या करूं मैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं रीडिंग सेक्शन में आपके पास सामने कंटेंट और एक्सप्रेशन मैं एक्सप्रेशन को पहले भी बता चुकी हूं बट स्टिल आई एम रिपीटिंग हियर एक्सप्रेशन में आपका ग्रामेटिकल एरर्स यस ग्रामेटिकल एरर्स जितने भी आप जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक्स करते हैं ये सारे एक्सप्रेशन पार्ट में आते हैं और स्पेलिंग एरर्स तो जितने भी आपके स्पेलिंग्स और ग्रामर से रिलेटेड एरर्स है वो एक्सप्रेशन पार्ट में आएंगे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी अगर आप तीन से ज्यादा मिस्टेक करते हैं तो आपका हाफ मार्क्स सीधे सीधे डिडक्ट होता है तो इसको ध्यान रखिएगा राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो राइटिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है द पैरामीटर इज फॉर्मेट क्योंकि फॉर्मेट अगर प्रॉपर है विध अलाइनमेंट प्रॉपर स्पेसिंग वे थिंग्स आर गोइंग टू बी ड्राफ्टेड वो अगर आपको सारी चीजें पता है तो आपका एक मार्क आपके मुठ्ठी में होगा कंटेंट मीज जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड वैल्यू पॉइंट इनकॉर्पोरेट किया गया है नो वन कैन इडक्ट मार्क अब लास्ट जब बात आती है वो है एक्सप्रेशन पार्ट पे देखिए कॉमेट फॉर वन टू फॉर कॉन्टेंट एंड एक्सप्रेशन पार्ट के लिए दो एक चीज़ और दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरी तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं इतनी सारी ग्रामर ग्रामेटिकल एरर्स होती है तो मेरे तो सारे ही मार्क्स कट जाएंगे नो डियर स्टूडेंट्स जितने मार्क्स अलॉटेड हैं एक्सप्रेशन पार्ट के लिए केवल उसमें से ही मार्क्स का डिडक्शन होता है नो वन कैन डिडक्ट योर मार्क्स की अगर आप सोच रहे हैं कि इस स्किल में या इस टास्ट पर और इस लिटरेचर के एंसर में पांच मार्क्स का है तो मेरे इतनी एरर्स होंगी कि मेरे पूरे पांच मार्क्स भी जा सकते हैं सो नो दिस इज़ रॉन्ग अगर आपने वैल्यू पॉइंट्स उसे रिलेटेड लिखे हैं सही लिखे हैं तो आपको मार्क्स इज़ीली मिलेंगे यानी अगर राइटिंग टास्क की बात करते हैं अगर फॉर्मेट आपका सही है तो आपको वन मार्क्स मिल ही जाएगा कंटेंट में उससे रिलेटेड वैल्यू पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं तो दो मार्क्स तो ईजीली मिल ही जाएंगे एक्सप्रेशन पार्ट की बात करें तो वहाँ एक चांस है कि भाई एग्जामिनर वन मार्क भी डिडक्ट कर सकता है या केवल हाफ मार्क भी दे सकता है सो इट्स अगेन अप टू यू कीप दीज पैरामीटर्स इन योर माइंड एंड उस तरीके से आप अपने आंसर्स को ब्रीफ कर सकते हैं रीड कर सकते हैं और वीव कर सकते हैं ग्रामर की बात करें तो ऑबियसली एक्यूरेसी और एक्सप्रेशन पार्ट क्योंकि ग्रामर है करेक्ट आंसर होगा तो पूरे मार्क्स मिलते हैं लिटरेचर की बात करते हैं तो कंटेंट और एक्सप्रेशन ये केवल दो ही पैरामीटर्स होते हैं जब आप लिटरेचर के आंसर्स लिखते हैं कोई क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा तो आपने उस क्वेश्चन के आंसर को जब ब्रीव किया जब वीव किया तो क्या आपने उससे रिलेटेड वैल्यू पॉइंट्स को ऐड किया है तो मार्क्स आपके पास होंगे एक्सप्रेशन पार्ट के जो दो मार्क्स हैं उनमें से ही आपके ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स के मार्क्स कटेंगे तो दैट्स वाई ऑलवेज फोकस ऑन द वैल्यू पॉइंट्स ऑफ द रेलिवेंट एंसर एज दिस काउंट इन द कंटेंट क्योंकि यही है मैंने पहले भी बोला है वैल्यू पॉइंट कुछ नहीं है उसमें जो रीजन पूछा गया है उसको आपने अगर कोट किया है जस्टिफिकेशन के साथ आपने लिखा हुआ है तो आपके मार्क्स आपके पास होंगे तो लिटरेचर की बात और करते हैं जैसे प्रो सेक्शन है पोइट्री सेक्शन है यह आपके प्योरली कहां मिलेंगे आपको आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से ये आपके फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी है बुक उसमें आपका पोएट्री और सेक्शन दोनों ही है और सप्लीमेंट्री जो रीडर है वो आपको मिलेगी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ओके okay? चलिए आगे लास्ट एक चीज पर फोकस और आपका कि क्या करना है दैट एक्चुअली व्हाट शुड बी योर एक्शन प्लान to get the perfect score, यहाँ बहुत सारी चीज़ों को already discuss किया गया है but still giving you the recap of all the things. एक gist की बात करते हैं तो reading section में आपको हमेशा ध्यान रखिएगा dear students की questions को पहले read करना है और questions को जब read करा तो मेरा next जो target होना चाहिए मैंने कर मुझे क्या करना है उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना है आई नीड टू फिल्टर द प्रिसाइज पॉइंट्स अगेन रिपीटिंग एक्स्ट्रा अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन को वीव कभी नहीं करते तो यहाँ सिंपली आपको जो गिविन इंफॉर्मेशन है काइंडली फिल्टर दैट इंफॉर्मेशन एंड वीव योर एंसर एक्यूरेटली राइटिंग ग्रामर सेक्शन की बात करते तो राइटिंग में ऑब्वियसली मेरा फॉर्मेट वैल्यू पॉइंट्स और एरर्स जितनी कम होंगी मार्क्स मेरे पास होंगे रूल्स को ध्यान रखेंगे ग्रामर में यूसेज प्रॉपर क्या स्ट्रक्चर उसका प्रॉपर है अगर मुझे ये सारी चीज़ें पता है टेंस इज ऑल अबाउट माई रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ ऑल अबाउट द रूल्स एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नरेशन डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट रूल्स अगर वो सारे रूल्स मुझे पता है तो मेरी जो मिस्टेक है वो होगी ही नहीं नेक्स्ट बात करेंगे लिटरेचर सेक्शन की यहाँ आप कैसे परफेक्ट स्कोर कर सकते हैं इफ़ यू नो द स्टोरी लाइन इफ़ यू नो द कैरेक्टर्स इफ़ यू नो द लिटरेरी और पोइटिक डिवाइसेस वैल्यू पॉइंट ऑफ द चैप्टर तब आप अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग भी तो उन उनको वीव कर ही सकते हैं सो हियर द थिंग्स आर रियली ईजी आई होप ये जो ओवरऑल ओवरव्यू था आपके करिकुलम का ये आपको समझ में भी आया होगा चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हुई होंगी सो स्टूडेंट्स टाई अ बेल्ट एंड बी रेडी तो एक साथ बहुत ही प्रिसाइसली और एक्यूरेटली तैयारी करेंगे और इसके साथ थैंक यू फॉर टुडे